मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर गुरुवार को दिन भर भक्ति की बयार बही। सुबह से ही मंदिरों में सुंदरकांड पाठ, विशेष पूजा अर्चना, हवन, अभिषेक आदि का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर तक चलता रहा। 12 बजते ही प्रभु के प्राकट्य को लेकर बधाइयों का दौर शुरू हुआ। पहाड़सिंहपुरा कलश चौक स्थित श्री राम मंदिर से रघुवंशी समाज द्वारा श्री राम जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन किए गए। सुबह 9 बजे भव्य शोभा यात्रा मंदिर परिसर से शुरू हुई, जिसमें ढोल ताशे और धार्मिक गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु झूमते गाते हुए श्री राम की भक्ति में लीन रहे। शोभा यात्रा कलश चौक से शुरू होकर तौड़ी मोहल्ला, तालाब चौक, दांगी मढ़ी, मोतीपुरा मार्ग होते हुए पुनः कलश चौक स्थित श्री राम मंदिर पहुंची, जहां प्रभु प्राकट्य उत्सव पर भगवान श्री राम की महाआरती और प्रसादी के बाद शोभा यात्रा का समापन किया गया। शोभा यात्रा में श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का मुस्लिम समाज ने भी पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। श्री राम जी के चल समारोह को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आया। शोभा यात्रा मार्ग सहित संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया है। सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।